Hello student, today we see the next topic, that is the DC input module. Okay, so first of all see the block diagram of DC input module. This is the DC input module block diagram. In this we see the same blocks as see in AC input module. Okay, so see the first, it is the DC input. Okay, this is the input, it is DC, then power conversion, then noise and debounce filter, then threshold detector, then optical isolation, logic, LED, CPU and input status table. Okay, the block diagram of AC module, AC input module, is same as DC input module, but only the one block is change, that is the power conversion. In AC input module there is a bridge rectifier. Okay, in a DC input module it is the power conversion, because this input it is a DC input. Okay, so यहाँ पे जो आपका input है वो DC है, इसलिए आपको ये क्या करना पड़ेगा, इसको power conversion करना पड़ेगा. So एक ही block आपका जो है different है AC input में. अगर दोनों डायग्राम में आप कंपेयर करते होगे एसी इनपुट मॉड्यूल एंड डीसी इनपुट मॉड्यूल, तो सिर्फ यही जो ब्लॉक है वो सिर्फ क्या है, चेंज है, बाकी सेम पैरामीटर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मीन्स एक्सप्लेनेशन सेम लिखना है. सिर्फ यही जो ब्लॉक है उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिफरेंट आएगा. ओके, सो ये जो डिफरेंट पार्ट है वो भी देखेंगे हम लोग, और फिर से ये जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वो भी जो है थोड़ा रिवाइज कर देंगे. ओके, सो सी द एक्सप्लेनेशन और वर्किंग ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी इनपुट मॉड्यूल. ओके, सी द डिफरेंट क्या है. ओके, डिफरेंट एसी मॉड्यूल और डीसी मॉड्यूल में क्या डिफरेंट है वही देखने वाले हैं आज. ओके, ओके, सी द डीसी इनपुट मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ सेंसिंग डिवाइस, इंक्लूड इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर. ओके, जो भी डीसी इनपुट मॉड्यूल है उसमें जो सेंसिंग डिवाइस हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर और फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर. ओके, दिस सेंसर्स आर 10-30 वोल्ट डीसी इनपुट कैटेगरी. ओके, इसका जो वोल्टेज है सेंसर्स का वो कितना रहता है, 10-30 वोल्ट डीसी रहता है. नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, डीसी इनपुट मॉड्यूल इज सिमिलर टू दैट ऑफ द एसी इनपुट मॉड्यूल. ओके, ऑलरेडी हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम में देखा है कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी ब्लॉक सेम है. अब एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट देयर इज अ नो नीड ऑफ रेक्टिफायर सेक्शन. यस, जो है ब्लॉक जो है आपका रेक्टिफायर का ब्लॉक नहीं था. ओके, ब्लॉक डायग्राम में एज द सप्लाई इज ऑलरेडी डीसी. ओके, यहाँ पे आपका सप्लाई जो है ऑलरेडी डीसी है, इसलिए आपको ये रेक्टिफायर यूज नहीं करना है. ओके, सो ऑलरेडी डीसी है और पीएलसी को भी आपको क्या चाहिए रहता है, डीसी रहता है, चाहिए रहता है. सो यहाँ पे हम लोग इसी वजह से रेक्टिफायर नहीं यूज करते, क्योंकि रेक्टिफायर क्या करता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है. ओके, और बाकी सभी ब्लॉक जो है वो क्या रहते हैं, सिमिलर टू एसी इनपुट मॉड्यूल. ओके, आफ्टर दैट वी सी द पावर कन्वर्जन इज यूज इन दिस डीसी इनपुट मॉड्यूल, बिकॉज वेन द हाई डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड देन द पावर कन्वर्जन इट विल कन्वर्ट हाई वोल्टेज डीसी टू लो वोल्टेज डीसी अप टू 10-30 वोल्ट. ओके, अभी यहाँ पे पावर कन्वर्जन हम लोगों ने क्यों यूज़ किया है, बिकॉज ऑलरेडी आपका डीसी जो है इनपुट है, लेकिन अगर डीसी वोल्टेज अगर हाई हो तो आपको वो क्या करना पड़ता है, लो वोल्टेज करना पड़ता है. उसके लिए हम लोगों ने पावर कन्वर्जन यूज़ किया है. वो क्या करता है, इट विल कन्वर्ट हाई वोल्टेज डीसी टू लो वोल्टेज डीसी अप टू 10-30 वोल्ट में वो कन्वर्ट करता है. ओके, सो पावर कन्वर्जन हम लोगों ने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है वो भी आपको पता चल गया है, और रेक्टिफायर क्यों नहीं यूज़ किया है वो भी आपको यहाँ पे पता चल गया. ओके, जो सेम पार्ट है वो भी एक बार हम लोग देख लेंगे. ओके, सी जो है आपका इसमें रेक्टिफायर का ब्लॉक नहीं है डीसी में. ओके, सी नॉइस एंड डीबाउंस फिल्टर का भी यहाँ पे सेम ही फंक्शन रहेगा, डीसी सिग्नल फ्रॉम रेक्टिफायर नहीं, रेक्टिफायर नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, डीसी सिग्नल फ्रॉम पावर कन्वर्जन इज अप्लाइड टू द नॉइस एंड डीबाउंस फिल्टर एज द सिग्नल फ्रॉम रेक्टिफायर. यहाँ पे भी रेक्टिफायर नहीं आएगा, मीन्स रेक्टिफायर की जगह पे क्या आएगा,
power conversion. As the signal from power conversion is not a pure signal, the signal from this block is a clean debounce DC signal of the threshold detection. Already noise debounce filter का function क्या है, वो क्या करता है, signal को clean करता है और जो भी DC signal है उसको debounce करता है for threshold detection के लिए. Okay, after that हम लोगों ने threshold detection भी देखा था. This section detect the whether level of input signal has a exceed the set value. Depending on this, it is classified as a on or off signal. ये भी detail में. Okay, so typically off state is in between 0 to 20 volt AC and on state 80 to 30 volt. ये diagram भी मैंने previous lecture में explain की है. Okay, see, after it is the optical isolation, physical separation between PLC and the field device outside the PLC is provided by the optical isolator. It is basically optocoupler or opto isolator. Okay, this section consists of the circuit which separate high voltage signal circuit from the low voltage CPU circuit. ये भी explanation हम लोगों ने previous इसमें देखा है details में. Okay, next is the logic section. DC signal from the isolation section are used by the logic section to pass the input signal to the module input, address, LED and CPU. LED are used to indicate the status of the input सिग्नल. ये भी डिटेल देखा है प्रीवियस इसमें. सो इस तरह आपको जो है डीसी इनपुट मॉड्यूल भी एक्सप्लेनेशन करना है. सो यहाँ पे जो है आज का टॉपिक एंड हो चुका है. सो थैंक यू वेरी मच.